हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल यमी कॉर्नर्स 1531। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक सिंपल और क्विक रेसिपी, आलू की रेसिपी। आलूओं को, चार आलूओं को, मीडियम साइज आलूओं को काट के आप रेडी रखिए। ऑयल में आलू और थोड़ा सॉल्ट डाल के इसको कुक करने के लिए सिम गैस पर रख दीजिए। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हरा लहसुन जिसको हमने बारीक काट के पानी में थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया है भिगोने के लिए, जिसके वजह से पूरा इसका जो भी मिट्टी हो वो इस पानी में आ जाए। फिर हम इसको वॉश करके थोड़ा फिर आलूओं में डाल देंगे, इससे इसका स्वाद, आलूओं का स्वाद बहुत ही बढ़ जाता है। इसे ऑयल निकाल देते हैं, फिर मसाले डाल देते हैं और फिर लहसुन डाल देंगे। अब हम इसमें लाल मिर्च डालेंगे। ये देखिए मेरा चम्मच इतना सा है, करीब करीब आधा पौना चम्मच डाल देंगे लाल मिर्च। धनिया, ये देखिए धनिया का भी चम्मच वैसा ही है, धनिया एक चम्मच और डालेंगे। कम से कम ये छोटे, देखिए छोटे दो चम्मच आप डाल दीजिए धनिया। हल्दी इतने से, थोड़ी और ऐड कर। इसको हम सब मिला देंगे, पूरा मसाले को ऊपर नीचे कर लेंगे, अच्छे से उसको ऊपर नीचे कर लेंगे, ज़्यादा रख देंगे, हाई पे रख। हम इसमें डालेंगे हरा लहसुन जो मैंने आपको बताया, फिर से इसमें डाल, ऐसे ही आप पूरा हरा लहसुन इसमें डालते जाएं। पूरा हरा लहसुन डाल के इसको ऊपर नीचे ऐसे मिला दीजिए, अच्छे से इसको मिला दें ताकि सारे आलूओं में ये अच्छे से मिक्स हो जाए। अब हमारा गैस का फ्लेम स्लो कर दीजिए और इसको सिम पे सीजने दें। दो तीन मिनट ढक देंगे, दो तीन मिनट तक सीजने के लिए। अब दो मिनट हो गए हैं। हम इससे को चेक करके, खोल के चेक करके दूसरी बाजू हम उसको पलटा के और फिर सिम पे रख, ये हमने खोल दिया। देखिए अब इसको हम दूसरे बाजू टर्न करेंगे, टर्न करके फिर हम इसको फिर से दूसरे बाजू थोड़ा ऊपर नीचे करके फिर से हम इसको सिम पे रख लें। ठीक है, इसको हम फिर से ढक्कन लगा देंगे बस, और दो मिनट सिम पे। देखिए फ्रेंड्स, तो ये खाने में बहुत ही टेस्टी और यम्मी होते हैं और इसका लहसुन का स्वाद बहुत ही अलग रहता है। आप इसको ज़रूर ट्राई करें और खा के देखें और मुझे कमेंट करें कैसे लगे आपको, और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।